नमस्कार, सूरज बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुनिका यादव। एक नजर हेडलाइंस पर। महंगाई राहत कैंपों के जरिए राहत मिलने का सिलसिला बरकरार। लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा 94 लाख के पास। 4,29,00,000 से ज्यादा बने गारंटी कार्ड धारक। चिकित्सा मंत्री ने दौसा के लालचोट में किया राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय का शुभारंभ। महंगाई राहत कैंप का भी किया निरीक्षण। एसएससी सीजीएल परीक्षा में देश भर में पहला स्थान हासिल कर मोहित चौधरी बने राजस्थान के अभिमान। ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री ने दी बधाई। महंगाई राहत कैंपों के जरिए आमजन को मिल रही राहत का सिलसिला बरकरार है। राज्य सरकार की 10 योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आमजन में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। प्रदेशवासी बड़ी संख्या में राहत कैंपों में पहुंचकर रजिस्ट्रेशन भी करवा रहे हैं और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ उठा रहे हैं। बढ़कर मिल रहे लाभ से आमजन की खुशियां भी लगातार बढ़ती जा रही है। महंगाई से राहत देने वाली इन योजनाओं का लाभ प्राप्त कर लोगों का जीवन खुशहाल हो रहा है। सोमवार शाम तक लाभान्वित परिवारों का आंकड़ा 94,28,000 के पार पहुंच गया, जबकि 4,29,00,000 से ज्यादा गारंटी कार्ड जारी किए जा चुके हैं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री परसादी लाल मीना ने सोमवार को दौसा जिले के लालसोट में राजकीय नर्सिंग महाविद्यालय के शुभारंभ समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि राजस्थान के कोने कोने में विकास के ऐसे काम हुए हैं जो राजस्थान के विकास को नई ऊंचाइयां देंगे। आज राजस्थान अपनी लोक कल्याणकारी योजनाओं के कारण देश में मॉडल स्टेट बनकर उभरा है, जिसके विकास मॉडल को अन्य राज्य भी अपना रहे हैं। इस दौरान चिकित्सा मंत्री ने पंचायत समिति लालसोट की ग्राम पंचायत खेडला खुर्द में आयोजित महंगाई राहत कैंप के दौरान लाभार्थियों को मुख्यमंत्री कार्ड भी वितरित किए। राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार परचम लहरा रहा है। राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से प्रदेश में शिक्षा के स्तर में बढ़ोतरी हुई है। प्रदेश का युवा देश दुनिया में राजस्थान का नाम रोशन कर रहा है। राजस्थान के होनहार मोहित चौधरी ने एसएससी सीजीएल परीक्षा में पूरे भारत में पहला स्थान प्राप्त कर प्रदेश की मेधा का परचम पूरे देश में लहरा दिया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने मोहित को बधाइयां और उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। राज्य सरकार ने कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजनों को मिलने वाली पेंशन राशि में वृद्धि की है। अब उन्हें प्रतिमाह 2,500 रुपए पेंशन राशि मिलेगी। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में वित्तीय प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गौरतलब है कि वर्तमान में प्रदेश में 16,810 कुष्ठ रोग मुक्त सामाजिक सुरक्षा पेंशनर्स हैं, जिन्हें वर्तमान में 1,500 रुपए प्रतिमाह राशि दी जा रही है, जिसे बढ़ाकर अब 2,500 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है। बढ़ी हुई पेंशन 1 मई 2023 से मिलने शुरू होगी। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्री भंवर सिंह भाटी ने सोमवार को विद्युत भवन में उच्च स्तरीय बैठक ली। बैठक में ऊर्जा मंत्री ने बजट घोषणाओं की क्रियान्विति की समीक्षा की और साथ ही भीषण गर्मी के दौरान आमजन को निर्बाध विद्युत आपूर्ति के निर्देश दिए। सीएमडी विद्युत उत्पादन निगम ने बैठक में जानकारी देते हुए बताया कि बजट घोषणा वर्ष 2022-23 की घोषणा के मुताबिक आगामी वर्षों में उत्पादन निगम द्वारा कुल 2,245 मेगावाट क्षमता की 3 परियोजना स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। बीकानेर के पूगल में 2,000 मेगावाट सोलर पार्क के लिए भूमि आवंटन और कब्जा प्राप्त करने के बाद 810 मेगावाट और ऊर्जा संयंत्र की स्थापना के लिए काम शुरू किया जाएगा। आमजन का सहारा बन रहे महंगाई राहत कैंप भीषण गर्मी में महंगाई से राहत की बौछार कर आमजन को सुकून दे रहे हैं। प्रतापगढ़ के पीपल खूंट में चल रहे महंगाई राहत कैंप में पहुंचे लोगों ने राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिलने पर मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताया। मेरा नाम नितिका पंचाल है, मेरे पति का नाम भूपेंद्र पंचाल है। मुझे 5 योजनाओं का लाभ मिला है और ज्यादातर सबके गैस टैंक का फायदा हुए। सबका धन्यवाद। ये 90 साल की है और सरकार से लाभ मिल रहा है, पेंशन मिल रही है और बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम श्यामलाल है, गाँव पिछड़िया ग्राम पंचायत त्रिपुरा से। मेरी माँ वृद्ध से कैंप में आ चुकी है। ये सरकारी योजना में जो लाभ मिला है ये योजना में लाभ मिला। नाम हरलाल मेड़ा, मेरी माँ का नाम सीता देवी मेड़ा। मेरी माँ को छात्र योजना का लाभ मिला है और मैं सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। में हाथ लाख लो लोग मिल गए।
वहीं प्रतापगढ़ में महंगाई से राहत मिलने पर महिलाओं ने स्थानीय भाषा में गीत गाकर और नाच गाकर अपनी खुशी का इजहार किया और मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत का आभार जताया। राज्य सरकार की बेहतरीन योजनाओं की बदौलत आज राजस्थान देश भर में मॉडल स्टेट के रूप में उभरा है। महंगाई राहत कैंपों के जरिए भी आमजन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाकर राहत दी जा रही है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत खुद भी लोगों से मिलकर योजनाओं का फीडबैक ले रहे हैं। वहीं प्रदेशवासी भी शिक्षा, स्वास्थ्य सहित सभी क्षेत्रों में योजनाओं का लाभ मिलने पर मुख्यमंत्री का धन्यवाद अदा कर रहे हैं। धन्यवाद देना चाहता हूँ, मेरी गोदी यही खड़ी है, साल में 3 बार ऑपरेशन हुआ पत्नी का, किडनी के ऊपर पत्नी थी बड़ी बड़ी, और वो भी प्राइवेट हुआ, हमारा 1 रुपया भी नहीं लगा। इसलिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और सब लोगों से कामना करता हूँ कि आप जैसे का ध्यान रखें और आप हमारा ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारा नाम किशोर आप सब बोले हूँ घूमने के लिए। गहलोत साहब चौथी बार, गहलोत साहब चौथी बार, गरीबों बहुत साथ दिया, गेहूँ सिलेंडर सब हर चीज सब मिल रही है, पेंशन मिल रही है, पहली 750 में आपको भी आपको राज्य सरकार की योजनाएं आमजन के लिए जीवनदायी साबित हो रही है। चित्तौड़गढ़ जिले से इलाज के लिए उदयपुर आई 5 वर्ष की बच्ची तबस्सुम को नया जीवनदान मिला है। तबस्सुम को पैरालिसिस की अवस्था में उदयपुर के महाराणा भूपल अस्पताल लाया गया था, लेकिन इलाज के बाद वो यहाँ से मुस्कुराते हुए घर लौटी। तबस्सुम का पूरा इलाज मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान योजना के तहत किया गया। डॉक्टर्स की टीम की कड़ी मेहनत से तबस्सुम को नया जीवन मिला। 5 साल की तबस्सुम 39 दिन वेंटिलेटर पर और करीब 3 महीने पैरालाइज्ड रही। डॉक्टर्स की मेहनत और राजस्थान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से बच्चे की जान बच गई। जयपुर में सोमवार को एक निजी होटल में प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में नवाचारों और विद्यार्थियों की लर्निंग को आसान बनाने वाले आरईआई पार्टनर और सहयोगी संस्थाओं की विशेष बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री श्रीमती जाहिदा खान ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि प्रदेश में स्कूली शिक्षा को बेहतर बनाने में श्रेष्ठ योगदान देने वाले राजस्थान एजुकेशन इनिशिएटिव पार्टनर और उनके साथ मिलकर बेहतरीन काम करने वाले शिक्षकों को विशेष रूप से प्रोत्साहित किए जाने की जरूरत है। उन्होंने इसके लिए राज्य स्तर समारोह का आयोजन कर ऐसे सहयोगी संस्थाओं और टीचर्स को सम्मानित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इससे अन्य लोगों को भी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ नया करने की प्रेरणा मिलेगी। इस बैठक में राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के साथ एमओयू के तहत काम कर रही करीब 3 दर्जन संस्थाओं और एनजीओ के प्रतिनिधियों के भाग लिया। उदयपुर जिले के बड़गांव की कविता पंचायत में गारंटी कार्ड उत्सव मनाया गया। इस अवसर पर महंगाई राहत कैंप के दौरान 300 लाभार्थियों को मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड वितरित किए गए। इस दौरान सभी लाभार्थियों ने गारंटी कार्ड उत्सव मनाया। लाभार्थियों ने मुख्यमंत्री गारंटी कार्ड को हाथों में उठाकर मुख्यमंत्री का आभार जताया। सादुल शहर की मन्नीवाली ग्राम पंचायत में चल रहे महंगाई राहत कैंप में विधायक श्री जगदीश चंद्र जांगिड़ और जिला कलेक्टर श्री सौरभ स्वामी ने लाभार्थियों को गारंटी कार्ड सौंपे। इस अवसर पर सादुल शहर विधायक ने कहा कि महंगाई राहत शिविर में प्रतिदिन हजारों लोगों को लाभ मिल रहा है, आमजन शिविरों में अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। उन्होंने आम लोगों को योजनाओं की जानकारी भी दी। वहीं जिला कलेक्टर ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत सरकार द्वारा महंगाई राहत शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें 10 तरह की राहत मिल रही है। सुजस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।